पता नहीं कौन से शर्मा जी का नंबर है, कहते तुम्हारे पापा ने दिया था, मेरा भतीजा कानपुर से है। अरे कौन सा भतीजा भाई, हमारा कोई रिश्तेदार कानपुर में रहता नहीं, फ्रॉड कॉल्स होती हैं, है कि नहीं है? नंबर लिया था पहले पापा तुम्हारे ने बात करी, वो नंबर चला गया। अच्छा, हमारे भतीजा नाती आया था कानपुर से, ट्रांसफर नगर से। अच्छा, वो नंबर दे गया था। अच्छा शर्मा जी, आप हो कैसे? आप ठीक हो शर्मा जी? हाँ बेटा बढ़िया। चलो फिर ठीक है। मैंने सुना आपकी तबीयत खराब थी कुछ दिन से। बोल रहे थे आईसीयू में हो। आईसीयू में थे? तबीयत खराब थी मेरी। वही तो कोई बोल रहा था कि आप आईसीयू में हो भर्ती। अभी ठीक हो? ज्यादा खर्चा खुर्चा तो नहीं हुआ? मेरे को लगा घर घुर बेच दिया आपने। कोई बोल रहा था कि आपको आईसीयू में भर्ती किया तो घर घुर बेच दिया सब कुछ, ये सब गलत था? अरे शर्मा जी, ऐसे कैसे गलत, किसी ने अफवाह फैला लिया आपके? हाँ? आपके बारे में ऐसे कैसे अफवाह फैला रहे हैं? शर्मा जी के बारे में कोई जानता नहीं है क्या? हाँ वही तो बोल रहा हूँ मैं आपको। और वैसे आपको पैसे पूसे की जरूरत तो नहीं है कुछ? नहीं कोई जरूरत नहीं। अच्छा तो मेरे को जरूरत है, आप कर दोगे? नहीं कोई जरूरत नहीं। अरे मेरे को जरूरत है, मेरे को हमारे को जरूरत है ना। आजकल घर जा रखे हैं तो यहाँ पे चोरी हो, वो क्या बोलते हैं, पर्स चोरी हो गया था कल ट्रेन में। आप कौन बोल रहे थे? अरे शर्मा जी आपने अभी तो बताया, अभी तो आपसे बात हो रही थी। ये देखो ये हमारा छोटा बच्चा रोने भी लग गया यहाँ पे। ये देखिए शर्मा जी। गाइस पता नहीं किसका नंबर आ रखा, उससे बातें करने लग रखे हैं, उसको चिढ़ा रहे। वो कह रहा शर्मा जी बोल रहा हूँ, मेरे पापा ने नंबर दिया। भाई पता नहीं क्या चल रहा है, क्या हुआ जल्दी बताओ। याने बोला तुझे पैसे की जरूरत है, कहता नहीं। वे कहते हमें भेज दो, उसने पानी खा। मैंने कहा शर्मा जी आप गूगल पे करो या फोन पे करो, पर अभी कर दीजिए, हमारा पर्स चोरी हो गया। मम्मी का नाम भी लीला है उधर, उनका नाम भी लीला है। मम्मी का पुराना नाम लीला है। मम्मी का पुराना नाम लीला है, अब नेहा है न्यू नाम। पीछे हो गई बातें स्टार्ट, अब ये तो नहीं खत्म होने वाली टाइम पर। हमने ऊपर वाले मंदिर में भी जाना था, वो देखो वो ऊपर, बट यहाँ बातें नहीं खत्म होने। मम्मी तो वहीं रुक गई, देखो पीछे वहीं पे खड़ी। बस कितना सारा भर के लेके जा रहे हैं भाई। को बोतले फसा रखी मैंने, किस लिए लगा रखे? बल फैशन। OMG ब्रो बड़ा फैशन। ये गॉट इट, देखो क्या देखने लग गया। ये वाला, ये जो प्लांट देख रहे हैं ना आप, ये वाला जिसपे छोटे छोटे कांटे, इसको कंडाली कहते हैं भाई। अगर ये लग गए ना हाथ पे, हाथ से इतनी ज्यादा जलन होती, इतनी ज्यादा खुजली होती है ना, छोटे बच्चे हैं ना जो उनको डराते हैं इससे, कहते कंडाली लगा देंगे भाई। पहले मम्मी ने मेरे भी बहुत लगाई है। पापा और किसी काम से गए थे घूमने के लिए, और अब ऊपर की तरफ आएंगे, यहाँ नीचे से जहाँ से हम कल आए थे। सोलर पैनल, सोलर लाइट्स लगी हैं, पहले सुबह चार्ज होगी यहाँ बैटरी, फिर उसके बाद रात को लाइट जगेगी, पूरे गांव में लग रखी है। चलो कुछ तो बढ़िया करा है सरकार ने। ए, मामी क्या लगा रहे, क्या लगा रहे मामी? बैंगन। OMG बैंगन का भरता कल सुबह मिलेगा हमें खाने के लिए। आज रात को लगा दी, कल तैयार हो जाएगा। देखो पुदीना भी लगाओ यहाँ पे। तू रेडी रुदू? लेट्स गो। ये अभी आ चुके हैं और पापा भी जा रखे थे मार्केट से, पापा भी आ गए हैं। यहाँ पे माल बकरी है, दिखाओ दिखाओ, दिखाओ भाई बकरी कहाँ है आपकी? इसका नाम युग है, इसका नाम कालू है। इसका नाम क्या है? युग। और इसका नाम कालू। रुको बैक कैमरे से दिखाता हूँ। युग क्या हाल है? बढ़िया। ये भी मस्त है, इसके सींग बहुत खतरनाक है। ओ भाई ये तो आपने छिले है क्या? और इसका नाम क्या है? कालू। ये कालू कालू थोड़ा खतरनाक है। नहीं ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है भाई, बैठा रहे भाई। हमारी गाय जिसको भी बकरी लेनी हो। हाय गाइस। हाँ ये ठीक है, वो वाली गाय खतरनाक थी नीचे वाली। घर के लैंटर देखो पत्थर से डले हुए हैं। हाँ पत्थर है पूरा ही, देख लो। चलो चलते हैं। हेलो ले ले ले, अरे बकरियां बहुत पालते, बट यहाँ मजा आ रहा है। देखो ये वाली, देखो कैसे देख रही। पर जाने का रास्ता छोटी छोटी पतली पतली सी गली है, एक ही रूट है, सारे यहीं से जाते हैं। हाँ बस जिसने भी जाना यहीं से जाना है, कि नहीं है? मम्मी आप कितने साल रही गांव में? मैं 20 साल। 20 साल, उसके 20 साल में मेरी शादी हो गई थी। 20 साल में हो गई थी हाँ। है? और 20 साल मेरे को मां हो गई, 40 साल। पापा आपकी एज कितनी, आपकी कितनी होगी?
आपकी 33 में कहते हैं जो मम्मी कह रही मेरी 20 साल में हुई है। 15 यहाँ तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ 15। ये सबसे पहले अच्छा पंदेरा गाय पीती है। ओके हाँ ये सेव करा हुआ है पानी। चलो ऊपर की तरफ चलते हैं मंदिर की तरफ को। मंदिर वो ऊपर साइड है चलते हैं। पहले से लड़ाकू है मम्मी कह रही मैं वहाँ पे पानी भरती थी वहाँ पे भी लड़ती हम पानी भरते थे बहुत लड़ाई होती थी। 3 बजे रात से हम खड़े हो जाते थे पानी भरने के लिए फिर भी नंबर नहीं आता था। लड़ती रहते हैं हर जगह। बीटल बेचारा RIP हो गया। कह रही बीटल RIP हो गया उसका क्या देख रही है उसका बेचारे का। हमें मंदिर बहुत सारे अभी मंदिर नंबर 2 और हमारा मेन मंदिर है वो वहाँ पे वो देखो थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा आपको ऊपर यहाँ यहीं पे थकने लगी अभी तो आपके गांव जाना है फिर बताना। आप ही पापे को लगी थी ये भी ले जाओ सामान ये इनके लिए सबके लिए ले जाओ सबके लिए ये ले जाओ वो ले जाओ आप लेके जाओ सामान आप ही लेके जाना। चलो भाई चलो बस चलते रहो तुम मजे लो वीडियो के और क्या। गांव में गूगल मैप चलाएंगे तो यहाँ कैसे पता लगेगा। देखो हमारे हल्दी के खेत कहाँ है हल्दी के नीचे। अच्छा हल्दी लगी है वाओ मैंने तो हल्दी पहली बार देखी है रुको देखता हूँ। ये हल्दी और ये लगे आम का पेड़ इसपे आम मुझे एक भी नहीं दिख रहा। अच्छा हल्दी दिखा दी भाई आपको अच्छी तरह ये आपकी भी हल्दी लगी है। एक सिंह वाला बैल इसको तो गुस्सा ही बहुत आ रहा भाई कैसे देख रहे हो भाई माफ कर दे भाई साइड से जा रहे हैं कोई धीरे धीरे कैसे देख रहे हैं। फिर से स्टार्ट अभी हम चलते हैं बस ये देखो लग गए। मम्मी ने तो पूरा गाँव जानता है मम्मी को हम क्या करें हमारी पहचान हमारे शहर में मम्मी की अपने शहर में सब अपने अपने शहर के राजे हैं। ओ आगे तक पहुंच गए वहाँ नीचे से आए थे हम वो देखो वहाँ से आए थे इतनी ऊपर तक पहुंच गए। आप खा जाओगे से वो नहीं आपको खा पाएगा बेचारा। कल बोलते एक बच्ची को बाघ ने खा लिया सुबह सुबह बच्चे को बच्ची बच्ची अच्छा गाय के छोटे वो पर बच गई बेचारी बच गई और क्या बच गई कैसे। कल उसको फिर टीके टूके लगाए भाई यहाँ पे यहाँ पकड़ लिया था बाघ ने सुबह सुबह यहाँ गर्दन पे। यहाँ पे जो आपने एक कुत्ता देखा होगा मेरे ब्लॉग में सिर्फ वही कुत्ता है इस गांव में पूरे गांव में एक ही कुत्ता है बाकी सारे कुत्तों को ना उसने बाघ ने खा लिया। ये सिस्टम है तभी हम रात को ज्यादा देर रुकेंगे नहीं फटाफट चलो ऊपर मत्था टेकते हैं नीचे और पता लग रहा हमारे मत्था हमें टिका रखा है वहाँ। घरों में तो अब कोई नहीं रहता देखो बंजर पड़ा बंजर पड़े हुए हैं सारे घर और वो रहे हमारी डेस्टिनेशन वो रहा हमारा मंदिर और ये पीछे से कितना बढ़िया व्यू आ रहा है यहाँ का। यहाँ अभी चलते हैं ये आगे हमारा भी है भाई तुम्हारा नहीं है मतलब ये हमारा मंदिर और ये नीचे का व्यू और वो रहा हमारा घर वो देखो ये रहा ये वाला। चलो चलते हैं मंदिर की तरफ और भैया तो पहुंच भी गए भाई कहाँ से पहुंच गया आप कौन से रास्ते से आए हैं हम कौन से बुरे वाले से आए। अच्छा ये रहा यहाँ से ठीक है बोलो बाबा भाभी को शर्म आ रही है बोलो पकड़ो पीछे से इतनी बोल रही है कि ये बोलो अपने आप बोल ही रहे भाई वो कोई भी फोटो ठीक है जैसी फोटो खींचेगी ना मम्मी ने आंखें मम्मी कैसे आएंगे भांग लगा रखी है क्या वो जो पेड़ है ना उस पानी वहां से आता है पानी उसकी जड़ों के अंदर जो पानी होता है भर के आता है फिर यहाँ पीछे एक टैंकी उससे भर के फिर पूरे नीचे गांव में सर्व किया जाता है पानी। आपने मंदिर सारा आप चलते हैं नीचे की तरफ थंबनेल के लिए भी कोई फोटो लेनी है या थंबनेल की फोटो का भी चक्कर होता है क्योंकि मेन थंबनेल है ना जो लोग थंबनेल देखेंगे उसी से तो वीडियो के इंप्रेशन क्लिक का आएगा तभी तो वीडियो ज्यादा चलेगी। हमारा और वो जो बड़े वाला पेड़ है वो भी हमारा है इन पेड़ पे कोई नहीं तोड़ सकता जो तोड़ेगा हम उसे तोड़ देंगे है ना मम्मी। नहीं ऐसे कुछ नहीं है सब खाते हैं मिलजुल के खाते हैं गांव में ऐसे नहीं होता है लो अपना तुम्हारा कुछ नहीं हुआ पेड़ हमारे हैं सामान उनका है ठीक है पेड़ हमारे सब लोग खाएंगे मिलजुल के खाएंगे पेड़ हमारा आम ही नहीं आ रखे तो खाएंगे क्या। हाँ ये भी बात है ये भी बात बिल्कुल सही है नहीं मारी जा रही और तो क्या ही करेगी जल्दी आ यार इतना सा तो इधर हिल रहे हैं वो यार इधर से छलांग मार के आ जा ये देखिए यहाँ से ऐसे करके। आज के ब्लॉग पे यही खत्म करते हैं आपको कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना और मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग करना है क्या सब्सक्राइब लाइक शेयर एंड कमेंट्स।